hello my dear children today we are going to start with class 7 science chapter number 3 that is heat so let's begin the chapter the main aim of this chapter will be understanding heat as a form of energy concept of temperature different type of thermometers flow of heat transfer of heat by conduction transfer of heat by convection and transfer of heat by radiation

सर्विंग स्पून इन अ फ्राइंग पैन जब हमने फ्राइंग पैन के अंदर फ्राइंग पैन कैसा है गर्म है उसमें आपने स्पून रखा हुआ है तो स्पून भी ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट गर्म हो जाएगा सो दिस विल बी हॉट सो बाकी सारे आप खुद फिल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वेदर दे आर हॉट और कोल्ड अंडरस्टैंड हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी चिल्ड्रन अभी तक हमने पढ़ा था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बट हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें बताती है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है लेकिन ये हम देख नहीं सकते इसे सिर्फ हम टच करके बता सकते हैं कि वेदर कि मम्मी ने हमें ग्लास दिया ग्लास में दूध दिया है तो हम उस ग्लास को टच करके ही तो बताएंगे वेदर द मिल्क इज़ हॉट और कोल्ड अगर मम्मी ने हमें हॉट मिल्क दिया होगा तो हम कहेंगे कि ये तो बहुत गर्म है क्योंकि हमने ग्लास को जैसे ही टच किया हमारे हाथों की सेंसेशन हमें बताएगी कि ये चीज़ गर्म है और वहीं अगर मम्मी ने कोल्ड कॉफ़ी दे दी तो उसको आप टच करके बता सकते हो कि यस इट इज कोल्ड वो गर्म नहीं है सो बाय द सेंसेशन ऑफ योर टच यू आर टेल यू आर एबल टू टेल वेदर अ थिंग इज हॉट और कोल्ड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर तो आपको कोई चीज गर्म क्यों लगी क्योंकि वहां से हीट जो है वो फ्लो होके आपके हाथों में आई दैट मीन्स

ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हीट का एक्सचेंज हुआ हीट कहां ज्यादा थी कप में ज्यादा थी तो कप से कहाँ एस्केप हो गई कहां चली गई एटमॉस्फेयर में या एयर में जिसकी वजह से जो हमारी चाय है वो ठंडी हो गई तो हमने क्या देखा यहां कि यहां पर हीट का फ्लो हुआ फ्रॉम द हॉट कप ऑफ टी टू द एयर दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टी टू द सराउंडिंग एयर हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर to a region of lower temperature, hot and cold. So children, हम अपने life में बहुत सारी चीज़ों के across आते हैं जिसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत गर्म होती हैं और कुछ बिल्कुल ही ठंडी होती हैं या कुछ बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं जैसे कि मम्मी ने अगर आपको वॉर्म मिल्क दिया तो आप कहोगे उसको हाथ लगा के देखा आप कहोगे तो हल्का गर्म है लेकिन वहीं अगर सुपर हॉट मिल्क दे दिया तो आप उसको टच करके एकदम से कहोगे अरे ये तो बहुत ज्यादा गर्म है सो बाय द सेंसेशन ऑफ योर टच यू आर एबल टू एक्सप्लेन कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर हॉट वेयर एज अदर ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड फॉर एग्जाम्पल टी इज़ हॉट बट आइस इज कोल्ड सूप इज हॉट बट आइसक्रीम इज कोल्ड Spoon kept in a hot milk is hot whereas fruit juice is cold. A frying pan kept on burning stove is hot but handle of frying pan is cold. Even though hot objects, some objects may be hotter than the other. Similarly, the cold objects, some objects may be colder than the other. We usually decide whether an object is hot or cold by touching it provided it is not too hot or too cold. Sometimes, however, our sensation of touch is also not reliable in telling us whether an object is really hot or cold. Now, concept of heat and temperature. तो so चिल्ड्रन हमने अभी बात करी कि heat क्या है? Heat is a form of energy जो flow करती है from a region of higher temperature to a region of lower temperature. इसे हम feel तो कर सकते हैं but इसे हम देख नहीं सकते हैं. हीटर एंड फील वॉर्म दिस इज ड्यू टू दीट रिसीव्ड बाई अस फ्रॉम द सन और दीटर दैट वी फील वॉर्म तो क्या हो रहा है कि सन से जो हीट आ रही है उसमें हम जब हम बैठते हैं जब हम धूप में बैठते हैं तो क्या होता है हमें गर्मी लगने लगती है ऐसा क्यों है क्योंकि हीट से जो जो सन से जो हीट आ रही है उससे हमारी बॉडी जो है वो वॉर्म हो जाती है बट वी के आर नॉट एबल टू सी इट लेकिन क्या आप उस गर्मी को देख सकते हो नहीं देख सकते सोर्सेज ऑफ हीट तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों जैसे द फर्स्ट इज सन सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी ये तो हमें पता ही है कि सन जो है सन की जो एनर्जी है इट इज यूज बाय प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर देअ फूड लेकिन वहां पर वो कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं वो लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं सन की हीट एनर्जी यूज कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड फ्रॉम रॉ मटीरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर टू प्रोड्यूस द फूड इन दम ऑफ ग्लूकोज ह्यूमन बोइंग्स आर एबल टू सरवाइव बाय द हीट ऑफ द सन फ्यूल फ्यूल से भी हमें एनर्जी मिलती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट एज वेल एज लाइट आप वुड को जलाएं तो वुड से आपको क्या मिलता है आप वुड के पास जा सकते हैं तो वहां पर आपको वॉर्मथ की फीलिंग आएगी और साथ ही साथ जब वुड जलती है तो वो हमें लाइट एनर्जी भी देती है फ्यूल इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी वुड कोल केरोसिन पेट्रोल कुकिंग गैस आर सम ऑफ द कॉमनली यूज फ्यूल्स हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग फ्यूल इज ऑल्सो यूज टू ड्राइव इंजेंस टू रन कार्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी तो जो हम ये हमारा कोल है कोल से जो हमें हीट एनर्जी मिलती है इससे हम इलेक्ट्रिसिटी तक प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन विंटर्स इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड हीट जब सर्दियां होती हैं तो आप मम्मी को क्या कहते हो मम्मी कमरे में हीटर लगा दो तो हीटर से क्या होता है हीटर जो है वो आसपास की सराउंडिंग एयर को वार्म कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट जो है वो आप तक ट्रांसफर होती है और आपकी बॉडी भी वार्म फील लेती है इन विंटर्स इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड हीट वी यूज गीजर्स टू हीट वाटर इन ऑल दीज अप्लायसेस फिल्मेंट इज प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी हीट्स अप द हीट्समेंट ऑफ दीज अपलायसेस फ्रिक्शन फ्रिक्शन से भी बच्चों हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे आप अपने दोनों हैंड्स को रब करिए तो और उसके बाद उसे अपने चीक्स पे टच कीजिए व्हाट यू विल फील कि आपके दोनों हाथ जो है वो आपको गर्म फील होंगे ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन से भी हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूस हीट व्हेन वी रब आर पाम्स दे बिकम वॉर्म फायर वेन रब ड्यू टू फ्रिक्शन नाउ हैव अ लुक ऑन एक्टिविटी चिल्ड्रन हाउ कोल्ड और हॉट इज वाटर इन द ग्लास सो लेट एस फाइंड आउट हॉटनेस और कोल्डनेस मीन्स विद दिस एक्सपेरिमेंट तो इस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे इसमें हम तीन ग्लासेज लेंगे जिसको हम लेबल करेंगे ए बी एंड सी फिल ग्लास ए विद वेरी वॉम और हॉट वाटर लेकिन बॉयलिंग वाटर मत लेना नहीं तो आपका हाथ जल सकता है ग्लास बी में हम रूम टेम्परेचर वाला वाटर लेंगे और ग्लास सी में हम आइस वाटर लेंगे Place three glasses side by side on the table with the glass containing room temperature in the center. Dip the index finger in each glass one by one and determine whether the water is hot or cold. तो आप अपनी फिंगर से डिप करके देखेंगे कि वाटर कैसा है. तो आप इजीली बता सकते हैं कि ग्लास ए में वॉम वाटर है, ग्लास बी में रूम टेम्परेचर पे वाटर है और ग्लास सी में कोल्ड वाटर है. Can you determine which glass contains more heat and which contains less heat? Now dip one finger in glass A and other A in glass B for few seconds. तो अब आप क्या करोगे? आप अपनी दो fingers लोगे, एक finger को आप glass A में डालोगे और दूसरे को glass B में. Then dip the same finger together in glass C. अब दोनों ही fingers को आप लेके dip करोगे glass C में. Can you accurately tell how hot or cold the water in glass A or C is? नहीं हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि जो touching है ट से जो हमें सेंसेशन मिली वो हंड्रेड परसेंट एक्ूरेट मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस नहीं देती है नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट चिल्ड्रन हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हीट जो है ये एनर्जी की फॉर्म है जिसको हम देख नहीं सकते सिर्फ फील कर सकते हैं एंड इट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर इट हैज नो शेप नो मास नो कलर नो ओडर नो वॉल्यूम नो वेट इट इज इनविजिबल द प्रेजेंस ऑफ हीट इज फेल्ड ओनली थ्रू द इफेक्ट ऑफ मैटर आपके आस पास में जितनी वॉम है उसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पास जो है वो वॉम कैसे है वो हीट की वजह से है जैसे कि आपके पास वुड जल रही है आप वुड के पास जलती हुई वुड के पास बैठे हो तो आपको गर्मी फील होगी क्योंकि वहां से हीट जो है वो एमेट आउट हो रही है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर फॉर एग्जाम्पल द वॉटर बिकम्स कोल्ड वेन आइस क्यूब्स आर पिट पुट इन टू इट ऑन पोरिंग अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर इन बेसिन इट बिकम्स वोंग तो क्या होता है हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है दस हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैम द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बिल्कुल सही बात है हम हीट एनर्जी से हीट एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज में भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि हीट एनर्जी कैन बी चेंज टू लाइट एनर्जी जब आप एक बल्ब जलाते हो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो या ट्यूबलाइट ऑन करते हो तो वहाँ पर हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस होती ही है आप उस बल्ब को हाथ लगा के देखो वो आपको गर्म फील होगा और साथ ही साथ वहाँ पर लाइट एनर्जी भी निकल रही है हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू मकैनिकल एनर्जी जो कि यूज होती थी फॉर द मूवमेंट ऑफ इंजिन तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कोल की हीट एनर्जी को किसमें चेंज कर रहे हैं मकैनिकल एनर्जी में अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन टू हीट एनर्जी ऑन बर्निंग अ कैंडल आप क्या कर रहे हो आप केमिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी में चेंज कर रहे हो

थर्मो मीन्स हीट एंड मीटर मीन्स मेजरमेंट उसकी मेजरमेंट की हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसकी मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसे ही हम बोलेंगे थर्मोमीटर द थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द टेम्परेचर और द हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी अब कौन कौन से स्केल्स यूज होते हैं थर्मोमीटर में चिल्ड्रन वी यूज थ्री स्केल्स फर्स्ट इज द सेल्सियस स्केल देन वी हैव फेरन स्केल एंड लास्टली वी हैव द केलविन स्केल this is similar to how we measure time is measured in seconds minutes or hour, hours on celsius scale johanna common scale hai temperature measure karnika celsius scale celsius scale pe freezing point of ice is 0 degree and boiling point of water is 100 degree on fahrenheit scale the freezing point is 32 degree fahrenheit and boiling point is 212 degree fahrenheit और जीरो डिग्री इन केल्विन इज कंसिडर्ड एज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं एप्सल्यूट जीरो एप्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है दैट इट इज माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस केल्विन में हम कभी भी डिग्री नहीं लगाते हैं द रेंज ऑफ डिग्री ऑन द केल्विन स्केल इज सेम एज दैट ऑफ द सेल्सियस स्केल सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैल्विन अब आप देखो कि आपने फैरन हाइट में भी डिग्री का यूज़ किया है आपने सेल्सियस में भी डिग्री का यूज़ किया है लेकिन कैलविन में हम कभी डिग्री नहीं लगाते हैं एंड कैल्विन इज द एस आई यूनिट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर केल्विन में ही हम अपने जितने भी नोमेरिकल्स हैं उनको जब हम सॉल्व करेंगे टेम्परेचर के हमेशा वैल्यू जो है वो हमेशा हमें केल्विन में ही लेनी है क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। द स्मॉलेस्ट डिविजन ऑफ टेम्परेचर स्केल दैट कैन बी मेजर बाय थर्मोमीटर कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन डिग्री देर फोर टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड ईदर इन सेल्सियस और फेरन types of thermometer children we have two types of thermometer one is called as clinical thermometer टरी थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर एज द नेम इंडिकेट इज यूज इन क्लिनिक जब आपको बुखार हो जाता है और मम्मी आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हैं तो डॉक्टर क्या करता है वो आपका टेम्परेचर आप नोट करता है विद द मीन्स ऑफ थर्मोमीटर तो वो कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं यूज इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर यू मे हैव सीन अ डॉक्टर और योर पेरेंट यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर वेन यू आर इल द कॉमनली यूज थर्मोमीटर इज मेड अप ऑफ नैरो नैरो ट्यूब होती है ऑफ थिक ग्लास एट द एंड ऑफ कैपलरी ट्यूब देर इज थिन ग्लास बल्ब और यहाँ पर लगा होता है एक बल्ब जिसके अंदर फिल्ड होती है मर्करी नो वॉट इज मर्क्यूरी मकरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इसीलिए इसे हम यूज करते हैं थर्मामीटर के अंदर क्योंकि यू ऑल नो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो जब इसको हीट मिलती है जब मकरी हीटअप होती है तो इट हैज अ टेंडेंसी टू राइज वो एक्सपैंड करती है एक्सपैंड किस में करेगी ये जो पतली सी ट्यूब दिखाई दे रही है ना आपको दिस थिन ट्यूब इसमें वो एक्सपैंड करती है और वहाँ जा कर रुक जाती है जहाँ तक आपका बॉडी टेम्परेचर है नाउ, इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक किंक ये किंक इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि मरकरी जो है जब आप अपना थर्मामीटर बाहर निकालते हैं अपने माउथ से तो ये मरकरी का लेवल फॉल डाउन ना हो जाए आपने देखा होगा मम्मी को मम्मी जर्क देती हैं थर्मामीटर को टू ब्रिंग डाउन मर्करी ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक किंक जो मर्करी के लेवल को फॉल नहीं होने देता और हम इजिली मेजर कर सकते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कैपलरी ट्यूब देर इज अ थिन ग्लास बल्ब फिल विद मर्क्यूरी मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर सिंस ग्लास इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट द वॉल ऑफ बल्ब इज kept thin to ensure that heat energy is transferred quickly between the surrounding and the mercury. The thermometers are marked to indicate a small change of 0 0.2 degrees. There is a constriction or kink in the tube just above the bulb. This kink ensures that the mercury in the thermometer do not contract and flow back into the bulb before the temperature has been read. Iske baad aate head D.G. Fahrenheit was a German physicist.

ताकि हम मरकरी लेवल को नीचे ला सकें लेकिन जब हम जर्ब दे रहे हैं तो हमें बहुत सावधानी से ये काम करना चाहिए कहीं हमारा थर्मामीटर ब्रेक ना हो जाए अगर थर्मामीटर ब्रेक होता है तो मरकरी जो है वो ज़मीन पे फैल जाएगी एंड इट इज़ वेरी पॉइजनस ये हमारे लिए पॉइजनस हो सकती है और इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ हमें थर्मामीटर को जर्ब देना चाहिए

क्लिनिकल थर्मामीटर सबसे पहली बात है हमें इसे अच्छे से साफ करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर यूज सेकेंडली जब हम इसको जर्क दे रहे हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ इसको टच नहीं होने देना चाहिए नहीं तो ब्रेक हो जाएगा मर्करी जो है वो स्पिल आउट हो जाएगी सिट प्रॉपर्ेन द थर्मोमीटर इज इन योर माउथ दिस इज टू प्रिवेंट द ब्रेकेज ऑफ थर्मोमीटर इफ इट ब्रेक्स इन योर माउथ मर्करी विल बी स्प्रेड इन द बॉडी मकरी बींग हाईली पॉइजनस मे डैमेज योर नर्वस सिस्टम किडनी लीवर एंड इम्यून सिस्टम तो इतनी खतरनाक चीज़ होती है मकरी इसीलिए जब भी हम क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ डील करें तो हमें बहुत ही प्रिकॉशन के साथ इसे यूज़ करना चाहिए ऑलवेज टेक द रीडिंग इन प्रॉपर लाइट नेवर होल्ड द थर्मामीटर बाय बल्ब वाइल रीडिंग इट क्यों क्योंकि हमारे हाथ से जो हीट है वो भी तो ट्रांसफ़र हो जाएगी फिर तो टेम्परेचर जो है वो गलत पढ़ा जाएगा टेक द रीडिंग वाइल होल्डिंग द थर्मोमीटर लेवल ऑफ मर् इज अलॉन्टरलाइज दर्मामीटर इन बॉयलिंग ब्रेक कभी भी उसको बॉयलिंग वॉटर में नहीं डालना चाहिए कीप द थर्मोमीटर अवे फ्रॉम हीट फ्लेम अदरवाइज इट विल ब्रेक इफ द थर्मोमीटर ब्रेक्स द मकरी विल स्पिल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में मकरी जो है वो स्पिल आउट हो जाती है इस केस में हमें इस मरकरी को कैसे डिस्पोज करना है आप नीडेड डो लेंगे बूंधा हुआ आटा लेंगे और उसको रोल करेंगे इना बॉल और फिर इस बॉल को हम रोल करेंगे मरकरी की ड्रॉपलेट्स के ऊपर द ड्रॉपलेट्स आर अप अब हम इस डो बॉल को लेकर जाएंगे एक पॉलिथीन बैग में डालेंगे और इसे लेके जाएंगे किसके पास नियर बाई केमिस्ट के पास ताकि वो इसका ईजिली एंड प्रॉपर डिस्पोजल जो है वो करवा सके हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस स्केल टू फेर स्केल तो चिल्ड्रन जब हमें सेल्सियस टेम्परेचर को फेरन में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं हमें जो भी टेम्परेचर दिया है सेल्सियस का उसको हम 1.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर हमारा आता है उसके साथ हम 32 को ऐड कर देते हैं सो इन स्टेप वन आप क्या कर रहे हो जैसे आपको 30 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है फेरन में तो आप 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे You will get 54. और 54 में आप थर्टी टू को जब एड करेंगे तो यू गेट देश हाउ टू कन्वर्ट फैर एन हाइटियस तो इस केस में सबसे पहले जो आपको वैल्यू दी है उसमें से आप थर्टी टू को माइनस करेंगे एंड वट एवर यू गेट द आंसर यूल डिवाइडेड बाई वन पॉइंट एट तो इससे हमें हमारा आंसर जो है वो सेल्सियस स्केल में मिल जाएगा ट्रैक योर प्रोग्रेस राइट टी फॉर ट्रू और फॉल्स

विच इज़ यूज इन लेबोरेटरीज हमें जब हम वहाँ पर अपना सल्यूशन को गर्म करते हैं या वहाँ पर वाटर को बॉयल करते हैं तो हमें एक परफेक्ट टेम्परेचर चाहिए होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में बहुत अंतर होता है क्या अंतर होता है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर नाप सकता है कहाँ से लेके कहाँ तक माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से ले कर हंड्रेड एंड टेन डिग्री तक और दूसरी बात इसके अंदर किंक प्रेजेंट नहीं होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज इन लेबोरेटरीज टू मेजर टेम्परेचर द टेम्परेचर कैन द थर्मोमीटर्स कैन मेजर टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट सच एज बॉइलिंग वाटर और कोल्ड ऑब्जेक्ट सच एज आइस द कॉमनली यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज अ रेंज फ्रॉम माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस

नो प्रकॉशंस टू बी टेक इन वाइल यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर वाइल टेकिंग द रीडिंग द थर्मोमीटर मस्ट बी कैप्ट वर्टिकल इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा भी थर्मोमीटर को टिल्ट करते हैं तो हमारी जो रीडिंग है वो चेंज हो जाएगी इसीलिए इसे हमेशा बिल्कुल वर्टिकल रखना चाहिए

फॉर टेकिंग द रीडिंग इसके अंदर भाई क्लिनिकल थर्मामीटर को तो हम बाहर निकाल लेते थे लेकिन इस थर्मामीटर के अंदर हम टेम्परेचर जब भी नोट करेंगे वो तभी नोट करेंगे जब वो सबस्टेंस में डिप्ड होगा द आई ऑफ द ऑब्जर्वर बी एट द सेम वर्टिकल लेवल एज दैट ऑफ द वर्क रीन द कैपिलरी ट्यूब ओनली देन शुड द रीडिंग बी टेकन

तो लेट्स सी एन एक्टिविटी टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स यूजिंग डिफरेंट थर्मोमीटर्स हॉट वाटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड एंटीसेप्टिक लोशन टेक हॉट वाटर इन अ बीकर डिपलेबोरेटरी थर्मोमीटर इन टू हॉट वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्ज इन बल्ब इन वॉटर बट डू नॉट टच द साइड ऑफ द बॉटम ऑफ कंटेनर तो आप उसको बिल्कुल सीधा ही लगाएंगे वॉटर के अंदर वेट अंटिल द मकरी थ्रेड बिकम स्टडी तब तक वेट करेंगे जब तक मकरी थ्रेड जो है वो राइस करना बंद ना कर दे नाउ टेक द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर रिमूव द थर्मोमीटर फ्रॉम हॉट वॉटर ऑब्जर्व वॉट हैपन्स टू मकरी थ्रेड हम क्या देखते हैं कि मकरी का जो थ्रेड है वो फटाफट से कंट्रैक्ट कर जाता है यू विल नोटिस एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वॉटर द मकरी लेवल बिगिनस टू फॉल नाउ वॉश एंड रिन्स अ क्लिनिकल थर्मोमीटर केयरफुली मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ योर क्लासमेट बाय कीपिंग इट द थर्मोमीटर इन द माउथ एंड देन टेकिंग इट आउट वॉट डू यू ऑब्जर्व यू विल ऑब्जर्व दैट द मर्करी थ्रेड रिमेन्स इन द सेम पोजिशन वेदर इन माउथ और आउट ऑफ द माउथ ऐसा क्यों हुआ क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट है किंक जो कि मकरी लेवल को फॉल नहीं होने देती फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड द टेम्परेचर ऑफ एनी थिंग मेजर विद लेबोरेटरी थर्मोमीटर मस्ट बी रेड वाइल थर्मामीटर इज़ कंटैक्ट विद द ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर हमने क्या नोट किया कि भाई लेबोरेटरी थर्मामीटर को तो हमें उस चीज़ के कंटैक्ट में रखना ही पड़ेगा जिसका टेम्परेचर हमें मालूम करना है लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में ये चीज़ नहीं है हम इजीली उसको बाहर निकाल सकते हैं और टेम्परेचर जो है वो नोट कर सकते हैं अदरवाइज़ इट इज़ इनकन्वीनियंट टू यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रीजन क्या है अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज किंक नियर इट्स माउथ व्हिच प्रिवेंट्स द मरकरी फ्रॉम फॉलिंग डाउन इट्स ओन देयरफॉर द लेवल ऑफ मरकरी इन द स्टेम रिमेंस द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ कंपैरिजन ऑफ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर चिल्ड्रन इट इज शॉर्टर दैन द लेबोरेटरी थर्मामीटर ये लॉन्ग होता है इट्स रेंज व्हेन 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड मेक अ चेंज हियर

लेकिन इसके अंदर लेबोरेटरी थर्मामीटर के बल्ब को हमें डिप रखना पड़ता है सब्सटेंस में टू मेजर द टेम्परेचर इट नीड्स टू बी गिवन अ फ्यू सॉफ्ट जर्स सो दैट द मकरी फॉल्स बिलो द लोअर फिक्स पॉइंट बिफोर यूजिंग इट अगेन लेकिन ये काम हमें म, इसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं करना पड़ता द किंग प्रेजेंट इन इट डज़ नॉट अलाउ द मकरी लेवल टू फॉल ऑन इट्स ओन क्योंकि यहाँ पर कोई किंग प्रेजेंट नहीं है इसलिए मकरी लेवल जो है ये अपने आप ही फॉल डाउन हो जाता है रीजन्स फॉर यूजिंग मर्करी इन अ चिल्ड्रन चिल्ड्रेन यू ऑल नो कि मर्करी क्या है मर्करी इज अ मेटल इन लिक्विड फॉर्म तो लिक्विड स्टेट में होने की वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं अपने थर्मामीटर्स में क्योंकि बींग अ मेटल इट विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इट इज नीदर इट नीदर वेट्स द ग्लास नॉर स्टिक्स टू द वॉल ऑफ द कैपलरी ट्यूब तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो मर्करी है ये ग्लास ट्यूब के साइड में चिपकती नहीं है इट इज ईजी टू ऑब्जर्व द लेवल ऑफ मर्करी क्लियरली एज इट इज ओपेक एंड शाइनी इट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर इट कैन बी ऑपटेन्ड एंड प्यूरिफाइड इजिली एज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इट टेक्स अप लेसर हीट फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सपैंड क्विकली टू शो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मर्करी चिल्ड्रन इट कैन नॉट रजिस्टर वेरी हाई और वेरी लो टेम्परेचर हम ज्यादा लो या ज्यादा हाई टेम्परेचर इससे नहीं नाप सकते दूसरी चीज़ इट हैज हाई डेंसिटी दैट मे चेंज द जीरो पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर नाउ सम ऑफ थर्मामीटर आर एज फॉलो सबसे पहला आता है एल्कोहल थर्मामीटर चिल्ड्रन हम एल्कोहल को भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी पहले जो थर्मो uh, मीटर्स बने थे उसमें एल्कोहल यूज होती थी इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी इसके क्या एडवांटेजेस थे पहली बात ये बहुत चीप होती थी लेस कॉस्टली होती थी लेस हार्मफुल देन मर्क्यूरी होती थी एल्कोहल थर्मामीटर कैन मेजर मच लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू मर्क्यूरी थर्मामीटर बट द मेन बैकड्रॉप ऑफ दिस थर्मामीटर क्या था इसका मेन बैकड्रॉप क्यों हमने इसको यूज नहीं किया क्योंकि इट कैन नॉट इट कैन ओनली मेजर टेम्परेचर अप टू सेवेंटी एट डिग्री सेल्सियस दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इससे ज़्यादा का टेम्परेचर ये मेजर नहीं कर सकती वेयर एज द मर्करी थर्मोमीटर कैन मेजर मच हायर टेम्परेचर नाव नाव अ डेज चिल्ड्रेन वी यूज डिजिटल थर्मोमीटर घर में हम जो थर्मो मीटर्स यूज करने लगे हैं वो डिजिटल हैं वो ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर मर्करी यूज़ ही नहीं होती है और इनकी जो रीडिंग होती है वो भी बहुत एक्यूरेट होती है कम टाइम में हो जाती है A digital thermometer is becoming very popular these days. They have many advantages. क्या क्या advantages हैं पहली चीज इसके अंदर mercury use नहीं होती है दूसरी ये बहुत ही accurate होते हैं हमें exact temperature हमारी body का बताते हैं Economical होते हैं It has plastic body, so there is no fear of breakage, and it is easy to use as well as carry. Flow of heat. चिल्ड्रन हमने अभी बात करी थी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स कंटैक्ट में हैं तो जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे होगी वहीं से हीट का फ्लो होगा टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स या दोनों ही बॉडी सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाती वेन टू बॉडीज दैट आर ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर केप्ट इन कंटेक्ट विद ईच अदर हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर आइस क्यूब्स फील कोल्ड इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ आर बॉडी इज थर्टी सेवन वाइल दैट ऑफ आइस इज़ जीरो डिग्री तो इसीलिए तो हमें वो इतनी ठंडी लगती है क्योंकि आइस का टेम्परेचर तो है बहुत लो और हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थर्टी सेवन है तो जब तक थर्टी सेवन आपने आइस आप को हाथ में लिया तो आपको आइस बहुत ठंडी लगेगी क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है आपकी बॉडी से आइस में Our hand is at higher temperature than ice. On touching the ice cube, heat flow from our hand to ice and ice feels cold. Therefore, an object feel cold on touching when heat from our body flows to that object. तो हमें कोई भी चीज़ ठंडी तभी लगेगी जब हमारी बॉडी की हीट उस ऑब्जेक्ट तक फ्लो करेगी और कोई भी चीज़ हमें गर्म कब लगेगी जब वहाँ से ऑब्जेक्ट से हीट जो है वो फ्लो करके हमारे हाथ में आएगी तब कोई चीज हमें गर्म लगेगी वेन वी टच द वॉटर टेकन फ्रॉम गीजर इट फील्स हॉट इट इज बिकॉज द वॉटर टेकन फ्रॉम गीजर इज एट मच हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू आर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑन टचिंग दिस वॉटर हीट फ्लोज फ्राम वॉटर टू आवर हैंड एज अ रिजल्ट वॉटर फील्स हॉट दस ऑब्जेक्ट फील्स हॉट ऑन टचिंग वेन वी रिसीव हीट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन प्लेसिंग अ हॉट बॉडी इन कंटेक्ट विद अ कोल्ड बॉडी इट इज सीन दैट आफ्टर सम टाइम हॉट बॉडी बिकम्स लेस हॉट एंड कोल्ड बॉडी बिकम्स लेस कोल्ड ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हीट फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो सेम ना हो जाए अ बॉडी लूज हीट इज सेट टू बी एट हायर टेम्परेचर दें बॉडी दैट रिसीव हीट नाउ हैव अ लुक ऑन क्लिकीपीडियर चिल्ड्रेन वेन टू बॉडीज आर इन कंटेक्ट विद ईच अदर एंड नो हीट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर दे आर सेट टू बी इन स्टेट ऑफ थर्मल इक्वलिब्रियम अगर दो ऑब्जेक्ट्स हमने कंटैक्ट में रखे हैं और दोनों में ही हीट का फ्लो नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स सेम टेम्परेचर पर हैं ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं थर्मल इक्विब्रियम द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन दैम इज़ जीरो नाउ ट्रांसफ़र ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ हीट इज़ डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी to another or from one part of the body to another. It can take place in three different methods. Let us understand with the help of example. A teacher wants to distribute apples to the whole class. theek hai तो एक teacher है, वो अपने बच्चों में apples बांटना चाहती है. अब वो तीन तरीके से apple बांट सकती है. कैसे कैसे? Let's see. She can ask the students to stand in a line. वो कहती है कि सारे बच्चे line में खड़े हो जाओ और वो एक-एक apple -एक करके सारे बच्चों को देती जाती है. She hands over the apple to the first child, who passes it to the third, and this process continues जब तक कि सभी students के पास apple ना पहुंच जाए। दूसरे केस में वो क्या कर सकती है? She can ask each student to come to her one by one and take the apple and then go back to his seat, his or her seat। तो वो दूसरा काम ये कर सकती है, वो कह सकती है सारे बच्चों को कि एक-एक करके आते जाओ, मुझसे एप्पल लेते जाओ और अपनी सीट पे बैठते जाओ। या वो थर्ड काम ये कर सकती है शी कैन थ्रो द एप्पल टूअर्ड्स द स्टूडेंट्स एंड दे कैन कैच देम तो इसी से हमें मिलते हैं थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हीट कैसे ट्रांसफर हो सकती है इसके तीन मेथड्स हमें मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन सो लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल सो कंडक्शन कंडक्शन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम The hot end of a substance to the cold end, that is called as conduction. इस केस के लिए हमें अपनी दोनों चीज को कंटैक्ट में लाना जरूरी है Now to demonstrate that heat is transferred to from hotter end to the colder end of the object. तो हम क्या लेंगे इसके लिए हम लेंगे एक आयरन रॉड और उस रॉड के ऊपर हम फिक्स कर देंगे कुछ वैक्स की ड्रॉपलेट्स को अब हम क्या करेंगे हम एक कैंडल लेंगे और उससे एक एंड को हम हीट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला एंड तो हॉट हो गया लेकिन ये वाला एंड तो अभी भी कोल्ड है तो हीट का हम क्या देखेंगे बच्चों कि जैसे जैसे हीट फ्लो करेगी यहां से वैक्स मेल्ट करके गिरती जाएगी तो इससे हमें क्या प्रूफ मिलता है कि हीट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऐसी जगह पे जहाँ पर ज्यादा हीट है हीट वहाँ से फ्लो करना शुरू करती है टू द प्लेस जहाँ पर कम हीट है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि सारी ही वैक्स ड्रॉपलेट्स जो है वो नीचे गिर जाएंगी इसका मतलब क्या है हीट इज बीग कंडक्टेड ऐसे ही आपने अपने घर में देखा होगा कि आप सब्जी बना रहे हो और आपने बड़े से पॉट में आपने एक सर्विंग स्पून डाला है आपका पॉट जो है वो गर्म हो गया हीटिंग पॉट आप जिसमें आप बना रहे हो खाना और जब आप उसमें सर्विंग स्पून थोड़ी देर के लिए छोड़ते हो तो आपका सर्विंग स्पून भी हॉट हो जाता है ये क्यों हुआ बिकॉज ऑफ द कंडक्शन ऑफ हीट Take an iron rod, fix a few pieces of wax on it, ensuring they are at equal distances. Place the rod between two bricks so that the wax pieces face downward. Heat the free end of the rod with a candle and observe. Wax pieces closest to the heated end melts and falls first, whereas the farthest pieces melts last. Conclusion: This shows that heat travels from hotter end of the rod to the colder end. हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन सॉलिड लेस इजली इन लिक्विड्स बट हार्डली एट ऑल इन गैसेस तो हम यहाँ पर क्या नोटिस करते हैं कि जो कंडक्शन का प्रोसेस है ये ज़्यादातर सॉलिड्स में होता है लिक्विड्स में बहुत ही कम तरीके से होता है और गैसेज में कंडक्शन बिल्कुल नहीं होगा देन फॉर हीट टू बी ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन टू ऑब्जेक्ट्स मट्स बी एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड इन कंटेक्ट विद ईच अदर दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ में कंटैक्ट में होना चाहिए और दूसरा दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में देयर शुड बी अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हाउ कंडक्शन ऑफ हीट अकर्स चिल्ड्रन यू ऑल नो मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेसिस जो होती हैं वो कम होती हैं लेकिन जब हम सॉलिड को हीट करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग अप एंड डाउन दे शो टू एंड फ्रो मोशन या फिर वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है वो कूलर एंड पे टकराते हैं अपनी हीट वो आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं और ऐसे करते 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 पूरा ही सॉलिड जो है वो गर्म हो जाता है दीज मॉलिक्यूल्स देन कोलाइड विद द एडजस्टिंग कूलर मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफर सम थर्मल एनर्जी द कूलर मॉलिक्यूल्स अपॉन गेनिंग एनर्जी बिगिनस टू वाइब्रेट फास्टर become warmer transfer the heat to molecules next to them this is how a solid conducts heat during conduction heat is transferred from one molecule to another आप क्या देखते हो कि एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को हीट देता है अब ये वाला मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू करेगा ये वाइब्रेट करेगा तो ये इससे कलाइड करेगा कोलिशन पे ये थर्मल एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा अब ये मॉलिक्यूल वॉर्म हो जाएगा ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा फिर ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर कर देगा ऐसे करते करते हम क्या देखते हैं कि पूरा ही सॉलिड जो है वो गर्म हो जाएगा हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनादर इवन दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स रिमेन इन द सेम प्लेस द मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव अवे ड्यूरिंग हीट कंडक्शन मटीरियल दैट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स तो जो भी मटीरियल्स ऐसे होते हैं जो हीट को अपने थ्रू पास होने दे उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स जैसे कि मेटल्स जितने भी आपके मेटल्स हैं ये क्या हैं दे आर ऑल द कंडक्टर ऑफ हीट दिस इज वाई वी आर यूजिंग टू फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स हीटिंग रॉड्स एंड अदर आइटम्स मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव इजिली फ्रॉम वन एंड ऑफ द सब्सटेंस टू अनादर कैरिंग हीट अलॉन्ग विद डेम और सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है चिल्ड्रन दिस इज द सिल्वर अब ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने थ्रू हीट एनर्जी को पास नहीं होने देते उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स जैसे कि प्लास्टिक वुड है ना तो हम क्या करते हैं जितने भी हमारे फ्राइंग पैनस हैं उन सब के जो हैंडल्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं थर्मो के बने होते हैं जो कि है आपका बैकेलाइट है ना क्योंकि ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते सो दे एक्ट एज इंसुलेटर्स प्लास्टिक वुड, ग्लास एयर वाटर पेपर क्लॉथ एंड रबर आर इंसुलेटर्स लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मटेरियल्स दैट ट्रैप एयर इनसाइड दिस फाइबर सच एज वूल फर फोम एंड फेदर आर एक्सेलेंट इंसुलेटर्स इसीलिए हम वूल और फर से अपने स्वेटर्स बनाते हैं क्योंकि ये इंसुलेटर्स होते हैं बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते कन्वेंशन Now, convection इज द प्रोसेस इन which हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड्स एंड gases थ्रू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स चिल्ड्रेन जब आप चाय बनाते हैं या मम्मी ने कभी चाय बनाती हैं तो मम्मी क्या करती हैं पहले वाटर को बॉयल होने रखती हैं तो आप क्या देखते हो कि बॉयल्स जब आप वाटर को बॉयल करते हो तो उसके ऊपर बबल्स आने लगते हैं इट इज़ ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ हीट सॉरी कन्वेक्शन ऑफ हीट सो so ये जो बबल्स आ रहे हैं दे आर मूविंग दे आर एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इसीलिए इस प्रोसेस को द कंडक्ट इस तरीके की हीट uh, ट्रांसफर को हम बोलते हैं कन्वेक्शन कन्वेक्शन अकर्स ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस बट नॉट इन सॉलिड दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन गैसेज एंड लिक्विड्स आर फ्री टू मूव इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टूगेदर बाय स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्सेज एंड कैनॉट ट्रेवल टू द सोर्स ऑफ द लाइट मेकिंग कन्वेक्शन इम्पॉसिबल इन सॉलिड तो सॉलिड में हमने क्या देखा था सॉलिड में कन्डक्शन हो रहा था लेकिन लिक्विड और गैसेस में क्या होता है कन्वेक्शन और कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स ना रेडिएशन चिल्ड्रन आपने घर के बहुत ज़्यादा सर्दी है और सब लोग क्या करते हैं घर के बाहर आग जला के बैठ जाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं हम अपने हाथों को वॉर्म करते हैं तो हम आग को तो टच नहीं कर रहे लेकिन फिर भी वॉम हम तक पहुँचती है ऐसा क्यों ऐसा बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि हीट इज बींग ट्रांसफर्ड बाई अ प्रोसेस कॉल्ड एज रेडिएशन वी फील वॉर्म सिट इन सन और इन फ्रंट ऑफ द बॉर्नफायर द एयर बिटवीन यू एंड हीट सोर्स इज पुअर कंडक्टर एंड डज नॉट गेट हीटेड सो हीट इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू कंडक्शन सिंस कन्वेक्शन करेंट राइज इज वर्टिकली एंड नॉट साइड वे कन्वेक्शन डज नॉट अकर इन दिस सिनारी कन्वेक्शन भी नहीं हो सकता कंडक्शन भी नहीं हो रहा तो हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन तो इसके लिए हम क्या लेंगे इसके लिए हम लेंगे एक राउंड बॉटम फ्लास्क कोल्ड वाटर पोटेशियम पर बंसन बर्नर ट्राईपॉड स्टैंड आयरन स्टैंड एंड वायर गॉज तो सबसे पहले हम क्या करेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क को हम फिल कर लेंगे वाटर से

तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन दिस शो दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज रेडिएशन और ये कब टेक प्लेस करता है ये वैक्यूम में टेक प्लेस करेगा इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ही ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट ऑल हॉट सब्सटेंसेज चाहे सॉलिड्स हो लिक्विड्स एंड गैसेज हैं ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन एज टेम्परेचर इंक्रीजिज अमाउंट ऑफ रेडिएशन ऑल्सो इंक्रीजेज द हीट एमिटेड फ्रॉम अ हॉट बॉडी इज कॉल्ड रेडियंट हीट अगर आप एक बल्ब को ही देख लो तो बल्ब को भी अगर आप पास बल्ब के पास भी जाओगे तो आपको वहाँ पर गर्मी फील होगी वार्म फील होगी क्यों क्योंकि वो जो हीट है वो एमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडियंट हीट शाइनिंग बॉडीज और वाइट बॉडीज आर पुअर ऑब्जॉर्बर्स ऑफ रेडियंट हीट एंड गुड रिफ्लेक्टर इसीलिए गर्मियों में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्टर ऑफ सनलाइट है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे और सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं या हम ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं बिकॉज ब्लैक इज अ गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट नाउ एक्टिविटी फाइव चिल्ड्रेन टेक टू आइडेंटिकल मेटल बीकर वन ऑफ देम विद ब्लैक एंड द अदर वाइट fill both of them with equal amount of water and place them in sunlight for about 45 minutes to 1 hour note the temperature of the water in both the beaker using a laboratory thermometer in which beaker does the water has higher temperature jisko humne black paint kiya hoga uska temperature zada ho jayega kyun because black color is the absorber of heat you will notice the higher temperature is recorded in the black black beaker in comparison to the white one it is because dark color object absorbs more heat than the light colored objects thus it is advised to wear light colored clothes in summers and dark colored clothes in winters distinction between conduction convection and radiation conduction may heat is transferred by molecules of the medium convection may heat is transmitted by molecules of the medium एंड रेडिएशन में हीट कैन पास थ्रू वैक्यूम एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम कंडक्शन में मटीरियल मीडियम इज मैंडेटरी कन्वेक्शन में भी मटीरियल मीडियम इज मैंडेटरी लेकिन यहाँ पर मटीरियल मीडियम जो है वो जरूरी नहीं है हीट पास फ्रॉम मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल यहाँ पर मोलिक्यूल्स कैरी हीट मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं है कंडक्शन इज़ अ स्लो प्रोसेस कन्वेक्शन भी स्लो प्रोसेस है लेकिन रेडिएशन जो है ये एक फास्ट प्रोसेस है कंडक्शन इट ट्रेवल्स इन एनी पाथ कन्वेक्शन भी किसी भी पाथ में हो सकता है लेकिन रेडिएशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस आर हीटेड बाय दिस प्रोसेस लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड बाय दिस प्रोसेस और मीडियम इज नॉट हीटेड अप बाय इन दिस प्रोसेस एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन चिल्ड्रेन तो रेडिएशन हम किस किस चीज में यूज कर सकते हैं हम सोलर वाटर हीटर में रेडिएशन यूज कर सकते हैं बाय अब्जॉर्बिंग हीट रेडिएशन फ्रॉम सन इलेक्ट्रिकल रूम हीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन सिल्वर पेंटेड बैकग्राउंड फेसिलियट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएटेड हीट जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको वो रेडिएट कर देता है जिसकी वजह से कमरे में जो है वो वार्म बढ़ जाती है अ सोलर कुकर कुक्स फूड बाय रिफ्लेक्टिंग

जिसमें अगर हम हॉट चीज डालते हैं तो वो बहुत टाइम तक हॉट रहती है और अगर हम कोई कोल्ड चीज डालते हैं तो वो कोल्ड ही रहती है अ थर्मल मेंटेन्स द देशर ऑफ सब्सटेंस इन साइड इट अ लॉन्ग टाइम दिस इज अचीव बाय मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तो हम ये कैसे कर सकते हैं बाय हीट को हम मिनिमाइज कर देते हैं बाय द ताकि वो ना तो कंडक्ट हो सके ना कंड कंडक्शन के थ्रू ना कन्वेक्शन के थ्रू और या फिर रेडिएशन के थ्रू अथर्मस प्लास कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड ग्लास कंटेनर और इसके बीच में हमें गैप रखते हैं जहाँ हम वैक्यूम क्रिएट रखते हैं बिटवीन द ग्लास वॉल्स टू मिनिमाइज कंडक्शन भाई कंडक्शन के लिए हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स को पास होना चाहिए लेकिन जब हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे इसकी वजह से हीट का जो हीट का जो ट्रांसफर है बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन वो रुक जाएगा दिस ऑल्सो रिड्यूस हीट लॉस एज देर इज नो एयर प्रेजेंट टू कैरी हीट अवे तो इससे क्या होगा कि भाई वहाँ पर मॉलिक्यूल्स ही नहीं है जो हीट को ले जा सके तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी नहीं है तो कन्वेक्शन भी नहीं होगा Both the walls are polished, shiny, and silvery to reflect the heat radiation back into the container. अगर आप उसको अंदर से देखो, तो वो अंदर से shining होता है, बहुत ही ज़्यादा shiny हम paint करते हैं उसको, ताकि जो भी heat reflect हो रही है, जो भी heat radiation के through produce हो रही है, वो अंदर की अंदर ही रहे। The outer case of the flask, as well as its lid, are made up of insulating material such as plastic. अब ऐसा क्यों क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल तो हीट को पास ही नहीं होने देगा अपने थ्रू नाउ हैव अ लुक ऑन क्लिकीपीडिया चिल्ड्रन मेनी हैव बोथ सेल्सियस एंड स्केल्स फॉर रीडिंग द टेंपरेचर हॉट एयर बलून वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हॉट एयर हैज अ टेंडेंसी टू राइज अप द गैस इन द बलून इज हीटेड बाय द बर्नर व्हिच मेक्स इट फ्लोट इन द एयर नाउ हैव अ लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस मैच द फॉलोइंग हीट

यहाँ है इसकी आउटर वॉल इनर वॉल इसके बीच में वैक्यूम है ताकि कंडक्शन भी ना हो सके कन्वेक्शन भी ना हो सके इसके बाद इसकी जो अंदर की वॉल्स हैं ये पेंट कर दी जाती हैं सिल्वर से ताकि जो भी रेडिएशन हो वो रेडिएशन की वजह से हीट जो है अंदर ही रहे उसके बाद इसकी जो कैप है या इसकी जो बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटीरियल ताकि हीट जो है वो बाहर ना जा पाए हैव अ लुक ऑन वंडर बॉक्स चिल्ड्रन सर थॉमस क्लिफर्ड एल्बर्ट he was a english physician in 1866 he introduced the short clinical thermometer which could record temperature in 5 minutes this thermometer replaced a 12 inches standard model that required 20 minutes to record a reading now have a look on keywords and explanation heat a form and a source of energy that gives us the sensation of hotness heat transfer the phenomenon of heat exchange between two bodies. Conduction, a mode of heat transfer where the particles of a medium gain energy and transfer it to the neighboring atoms by vibrating faster. Conductor, substances that allow the heat energy to pass through them. Insulator, substances which does not allow heat energy to pass through them. Convection, the process of heat transfer in liquids and gases. Through the movement of molecules from hot to cold region. Radiation, the process of energy transfer in the form of electromagnetic waves without the need for a medium. Thermos flask, a flask used to keep liquid hot or cold by preventing the transfer of heat. Temperature, the degree of hotness or coldness of a body. Mercury, a liquid metal that expands uniformly with each degree change in temperature thermometer an instrument used to measure temperature review zone see the first question children take the correct option first one is the term thermo in the thermos means yes tell me the answer it is heat the physical property that indicates degree of hotness or coldness of a body is temperature on celsius scale the freezing point of water is 0 degrees celsius

डैश इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो इसमें आप इंसुलेटर्स लिख सकते हो प्लास्टिक लिख सकते हो प्लास्टिक एयर भी लिख सकते हो एयर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट कन्वेक्शन नॉट टेक्स प्लेस इन सॉलिड सी द फोर्थ वन चिल्ड्रन शाइनी बॉडीज आर पुअर अब्जॉर्बर ऑफ हीट मटीरियल दैट अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू दम आर कॉल्ड कंडक्टर्स स्ट्रेट वेदर द फॉलिंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स सिल्वर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट ये तो फॉल्स है हीट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही बात है दिस इज ट्रू

डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी टेंपरेचर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेंपरेचर थर्मोमीटर With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.